नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोई भी कुंडली, सिर्फ और सिर्फ कुंडली को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं काफी सरलतापूर्वक कि वह कुंडली बुद्धिमान है कि नहीं, कौन से ऐसे ग्रह है या फिर कौन से ऐसे राशियां हैं वो आपको देखने होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ज्योतिष का कोई भी ज्ञान न होते हुए भी आप ये काफी सरलतापूर्वक जान सकते हैं कि कोई भी कुंडली बुद्धिमान है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो कोई भी कुंडली अगर आपके हाथ में आ जाए, वो कुंडली आपकी हो, आपके जो मित्र परिवार है या फिर जो भी नवजात बालक है या फिर कोई वृद्ध है, सिर्फ और सिर्फ कुंडली देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि यह कुंडली बुद्धिमान व्यक्ति की है या नहीं। बुद्धि के बारे में अगर सोचा जाए तो एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि बुद्धि का और शिक्षा का वैसे कोई भी सरलतम संबंध नहीं है। अमूमन तौर पर हम यह देखते हैं कि जो भी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त है वह बुद्धिमान कहलाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति अशिक्षित है वह भी बुद्धिमान, उनमें भी बुद्धि होती है या फिर वह भी बुद्धिमान कहलाते हैं। ऐसी कई तरह की घटनाएं हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जो प्राप्त परिस्थिति होती है उसमें से रास्ता निकालता है, मतलब उसके हाथ में जो भी उपलब्ध साधन सामग्री है उसको लेकर वह परिस्थिति से, मतलब जो भी उसके सामने परिस्थिति, कठिन परिस्थिति है तो भी उससे वह अपनी राह निकलता है और वह जो भी उसके मतलब जीवन में यशस्वी होता है या फिर सफल हो जाता है। जैसे कि 2008 में जो भी मतलब क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें जो भी उच्च शिक्षित जो व्यक्ति थे वह उनकी जॉब चली गई, उनके जीवन में बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ गए, कई ने तो मतलब आत्महत्या भी की, सुसाइड भी की। लेकिन हम हमारे गांव में या फिर जो गरीब वर्ग होते हैं या फिर जो किसान होते हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनके भी जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि के आधार पर जो भी उपलब्ध साधन सामग्री है वह उसका इस्तेमाल करके उस कठिन परिस्थिति से राह निकालते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। तो इसे ही बुद्धि कहा जाता है कि बुद्धि का जो संबंध है वो शिक्षा से आप न जोड़े। जो भी मैं अभी कह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के आधार पर है, तो उसे उसी तरह से लीजिए। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी जो कुंडली है वो कुंडली देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं। हालांकि बुद्धि के अलग अलग स्तर है, लेकिन पहली तो हमें ये बात पता लगनी चाहिए कि कोई भी जो कुंडली है या फिर कोई भी व्यक्ति है वो असल में बुद्धिमान है कि नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो सभी ग्रह है, मतलब 12 ग्रह है, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को हम अगर जोड़ ले तो टोटल 12 ग्रह है, उसमें बुद्धि का जो ग्रह है उसे बुध ही कहा जाता है। हालांकि इस ग्रह के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बुध माने बुद्धि, तो जो बुध ग्रह है उसमें से ही जो बुद्धि है वो देखी जाती है। बुध ग्रह के जो दो राशियां हैं, मतलब बुध ग्रह की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, यह जो दो राशियां हैं यह भी मतलब बुद्धिमान कही जाती है, लेकिन यह राशियां, उस राशि में वो ग्रह भी होने काफी ज्यादा आवश्यक है। तो बुध ग्रह को आपको देखना होगा, और यदि किसी भी कुंडली में, अभी आप ध्यान से सुनिए, अगर यह बुध ग्रह किसी भी कुंडली में मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये जो मैंने चार राशियां आपको बताई, फिर से मैं आपको गिनवाता हूं कि अगर किसी भी कुंडली में यह जो बुध है, यह बुध मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि में है, तो वह जो कुंडली है वह कुंडली बुद्धिमान कुंडली कहलाती है। मतलब वह जो कुंडली होगी वो प्राप्त कुंडली, मतलब वह जो जातक होगा, मतलब वो जो कुंडली है किसी भी स्त्री की हो या फिर पुरुष की हो, वो स्त्री या पुरुष या फिर ज्योतिष शास्त्र के भाषा में उसे जातक कहा जाता है, कि वह जो जातक होता है वो किसी भी प्राप्त परिस्थिति में अपना जो रास्ता है वो निकाल के बाहर आ जाता है। किसी भी कठिन परिस्थिति से वह जो आदमी होता है या फिर वह जो जातक होता है वो बाहर निकल के आता है। और भी दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम कैसे जाने कि कुंडली में
मतलब जो भी अभी मैंने चार राशियां गिनवाई वो चार राशियां है किधर कहाँ पे है, क्योंकि कुंडली में राशियां तो लिखी नहीं जाती या फिर राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, तो फिर जिसे कुंडली के बारे में पता नहीं है, मतलब आम जो लोग हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता नहीं, वो कैसे पता लगाए कि यह जो राशियां जो मैंने गिनवाई वो राशियां कहाँ पर होती है? तो आपने देखा होगा कि कुंडली जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, जो कि काफी मूलभूत कुंडली है, बेसिक कुंडली है, तो उस कुंडली में आपने 12 खाने देखे होंगे और 12 खानों पर अंक भी देखे होंगे, जो कि अंक 1 से लेकर 12 तक होते हैं, ठीक है। और वह जो अंक होते हैं वह अंक हर एक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि एक अंक है वो मेष राशि का है, 6 अंक है वो कन्या राशि का है, 2 अंक वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, ऐसे 1 से लेकर जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों के यह अंक होते हैं। तो अगर आप, अभी मैंने जैसे कहा कि कोई भी कुंडली में यह जो बुध ग्रह, यह बुध ग्रह तीसरे राशि में मतलब मिथुन राशि में, छठवें राशि में मतलब कन्या राशि में, सातवें राशि में मतलब तुला राशि में और ग्यारहवें राशि में यानी कि कुंभ राशि में, अगर यह जो बुध ग्रह या बुध ग्रह इन चार राशि में हो तो आप समझ सकते हो कि यह जो जातक है या फिर यह जो बालक है या फिर यह किसी जो यह कुंडली जिस किसी की भी है वह जो जातक है वह बुद्धिमान है। मैं फिर से गिनवाता हूं कि अगर बुध ग्रह आपके सामने कुंडली आ जाए तो यह बुध ग्रह अगर 3, 6, 7, 11 इन अंकों में हो, 3, 6, 7 और 11 इन अंकों में यह बुध ग्रह हो तो वह जो कुंडली है वह कुंडली बुद्धिमान कुंडली कहलाती है। तो यह बात अभी आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से आप देख सकते हो, कोई भी कुंडली में अगर बुध इन चार राशि में हो तो वह जो कुंडली का जो बेसिक स्तर है मतलब वह कुंडली की जो बौद्धिक पात्रता है वो काफी अच्छी हो सकती है। अब अभी हम देखेंगे कि यह जो बुध है मतलब यह जो बुद्धि है वो किस क्षेत्र में लागू होती है, क्योंकि बुद्धि हर क्षेत्र में लागू हो सकती है, जैसे कि कला का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग क्षेत्र है, या फिर मार्केटिंग का क्षेत्र है, या फिर कोई और मतलब क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो कई प्रकार के क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बुद्धि काम कर सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यह तो कम से कम देख पाए कि अगर आपके पास कोई भी कुंडली है तो उस कुंडली का अगर आपको बौद्धिक स्तर देखना है तो वो कैसे देखा जा सकता है, या फिर बुद्धि का स्तर कैसे नापा जाता है। आप भी मतलब कोई भी कुंडली आपके सामने आ जाए तो उसके बारे में यह एकदम सरलता पूर्वक आप देख सकते हो। इसके बाद 1 से लेकर 12 राशियों में यह जो बुध है वो बुध अगर हर एक राशि में हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो प्रतिसाद है मतलब आपके जो कमेंट्स है वो मुझे आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे ही आप इसके संबंध में कमेंट करोगे तो मेरे ख्याल से मैं एक मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि के राशि तक की जो सभी राशियां हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा, और हर राशि की जो बुद्धि है मतलब यह जो बुध हर राशि में अगर कैसे होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी बुद्धि किस जो मतलब क्षेत्र है उसमें ज्यादा हम देख पाएंगे उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, या फिर उसके संदर्भ में वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि अगर आपको कोई भी जो कुंडली है वो कुंडली बुद्धिमान है कि नहीं इसके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर इसके बारे में आपको देखना है तो किस तरह से देखना है इसके बारे में जानकारी, आपको भी वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।